हाय फ्रेंड्स, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इन ईच केस, डिसाइड वेदर और नॉट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर और नॉट। ठीक है, मतलब कुछ एग्जांपल्स दिए हमें, हमें बस डिसाइड करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ठीक है, कहाँ पर? आर के ऊपर। सब रिलेशन कहाँ पर डिफाइन होंगे? आर के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स सी। पहला एग्जाम्पल है एक्स रिलेटेड टू वाई। मीन्स एक्स वाई इज अ पॉजिटिव, एक्स वाई मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है दोनों का, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। अब मुझे बताओ, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव का बात आता है जब वो दोनों प्लस हो या दोनों साइमल्टेनियसली नेगेटिव हो? ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, जो जब दोनों नेगेटिव हो तब प्रोडक्ट नेगेटिव। अगर एक प्लस एक माइनस रहा तो नहीं होता, एक प्लस एक माइनस रहा तो नहीं होता। ठीक है, देयरफॉर ये लॉजिकल थिंकिंग है, पूरा लॉजिकल है। यहाँ पे आपको मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस चाहिए ऐसा कुछ नहीं, आपका थोड़ा भी लॉजिक क्लियर हो जाए ना इसके रिलेटेड, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी। अब रिफ्लेक्सिव के बारे में देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव को क्या जरूरत है? बस क्या होता है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, बस एक ही पेयर लगती है ना वहां पे, बस एक ही पैर लगती है। ठीक है, हेंस एक्स इंटू वाई रिलेशन क्या, एक्स इंटू वाई, तो वाई की जगह पर एक्स लिख दो, ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो। पॉजिटिव का मीनिंग यही होता है ना, ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो, नॉन निगेटिव इन शॉर्ट। देयरफॉर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो, एंड वी नो दैट एवरी स्क्वायर क्वांटिटी इज अ पॉजिटिव। यस, हेंस रिफ्लेक्सिव ट्रू, रिफ्लेक्सिव ट्रू। अब बारी आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या कहता है? ठीक है, सिमेट्रिक के लिए दो लगेंगे हमें। फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, अगर एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो है तो ये कॉमन सेंस है, सो वाई इंटू एक्स भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है ना, सेंस है ना, आई एम सॉरी, 3 2 6 आता है विच इज ग्रेटर देन 0, तो 2 3 6 आएगा विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, हेंस सिमेट्रिक इज ट्रू। ठीक है, सिमेट्रिक इज ट्रू। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रांजिटिव भी ट्रू होगा या नहीं? या ट्रांजिटिव भी ट्रू हो जाएगा। ट्रांजिटिव में क्या है? ट्रांजिटिव में क्या होगा? फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो है, वाई जेड ग्रेटर देन जीरो है, तो ये हमें एक्स जेड भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मिलेगा। कितना इजी है देखो। ठीक है, तो ऑल तीनों पॉजिटिव, मतलब ये जो है ये ट्रू हो रहा है, लेकिन ये कब ट्रू होंगे? जब इट इज ट्रू ओनली वेन, कब ट्रू होंगे? मैंने पहले कहा दिया, ओनली वेन बोथ हैव सेम साइन, बोथ हैव सेम साइन, अदरवाइज नॉट। ठीक है, सो अगर यहाँ पे अगर रियल नंबर की बात की है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, ये मेरा ओपिनियन रहेगा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, और नहीं ही हो सकता है, क्योंकि अगर वहां पे आपको कोई भी प्रॉपर कंडीशन दी है कि बोथ एक्स एंड वाई हैव सेम साइन, देन व्हाट विल हैपन? हाँ, तो हम कह सकते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है। लेकिन अगर वहां पे ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है कि भाई साइन कैसे है, सेम है, डिफरेंट है, हाँ सेट दिया है, सेट में क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर में निगेटिव भी आती है, पॉजिटिव भी आते हैं, सो कोई भी बंदा कोई भी ले सकता है ना। हाँ, थोड़ी हमारे जैसे सब होते हैं कि अगर किसी ने एक पॉजिटिव ले लिया और दूसरा नेगेटिव ले लिया तो गड़बड़। देयरफॉर इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। हाँ, अगर वहां पे नेचुरल नंबर होता, होल नंबर होता, तो बात अलग थी, क्योंकि उसके अंदर दोनों पॉजिटिव होते हैं। हाँ, वहां पे नंबर भी पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट वन।
x related to y is equal, means mod x is equal to mod y, ठीक है, mod x is equal to mod y. अब देखो जरा सा, पहली बात, पहला क्या ट्रू करेंगे हम, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R सच दैट mod x इज इक्वल टू mod x, यस ये तो ट्रू है, mod x इज इक्वल टू mod x. सिमेट्रिक में क्या होगा, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट, अगर हमें ये दिया है x इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू ऑल्सो x, ठीक है, y इज इक्वल टू ऑल्सो x. यूज योर डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर a टू b जाने के लिए 6 किलोमीटर है तो b टू a आने के लिए भी 6 किलोमीटर है, ठीक है, बशर्ता कि आप बीच में रास्ता ना चेंज करो, जाते वक्त स्ट्रेट जा रहे हो, आते वक्त भी स्ट्रेट ही आना है. सो नहीं तो जाते वक्त जाओगे लाइक दिस, मतलब RYK टू कैनेडा कॉर्नर, हाँ, और आते वक्त कैनेडा कॉर्नर, वहाँ से विद्या विकास सर्कल, फिर प्रसाद सर्कल, जैन सर्कल घूम के आ रहे हो, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है. सो जाने का भी रास्ता सेम है, आने का भी रास्ता सेम है, तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही है एक्चुअली में, ठीक है, मैट्रिक्स स्पेस में आप ये देखोगे ये वाली चीज, ओके. एंड लास्ट वन, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या भानगढ़ भाई, देखो मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई दिया है, मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड जेड दिया है, इम्प्लाइज मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड जेड, खत्म. अब यहाँ पे आप बोलोगे ये तीनों तो हो गए, लास्ट वाले में भी हुए थे, हाँ, लेकिन लास्ट वाला तो नहीं था, ये वाला हो सकता है क्या, हाँ बेशक हो सकता है, क्योंकि ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस के अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल दो तो पॉजिटिव आएगी ना, मॉड्यूलस के अंदर कोई भी वैल्यू डालो पॉजिटिव आएंगी. बेसिकली मॉड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम जीरो, मतलब वो जीरो से कितना दूर है, ये होता है मीनिंग, मॉड का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि वो जीरो से कितना दूर है, हाँ, और डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, देयरफॉर देयर इज एन केस कि वो पॉजिटिव ही आएगा, ओके, देयरफॉर दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है. सो गाइज, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट हो, हाँ, सो आप मुझे बिंदास्त मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो है 9922070475, एनी टाइम, हाँ, व्हाट्सएप करो, मैं उसका सॉल्यूशन तुरंत ही भेज दूंगा, ओके. सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय.